ये जब ये जॉब करते हैं सीक्रेट uh, सर्विस वाले ये लोग वो लोग नहीं है जिनको फेम चाहिए या मुझे इंस्टेंट फेम चाहिए हूँ मुझे चाहिए, मल्टीपल hmm. so like और डिफरेंट वेराइटी करने मिले बट hmm. में इस, इस चीज को बहुत जिद पकड़ के नहीं लेता बिकॉज आई ऑलवेज से मेरी पर्सनल लाइफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है <laughs> Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I am Rashita Sahani and today joining me for a power-packed conversation is the wonderful team of IB71 who are all set to pack a punch. Vidyut, Sankalp and Vishal, welcome to Peeping Moon. How have you Thanks. guys been doing? i have been good. good. So I can feel the energy already. I was at the trailer launch and I must say very rarely ki a trailer launch and was so much, You and know, uh, the energy was high. I could feel it.

आ, उसको भी कहा जाता है पूरा आइडिया तो आपका <laughs> था वो आइडिया सबका था सबका था पर एक अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट जब yeah. बनता है तो उसके पीछे जितना भी एक एक फाइनल टच होता है ना करेक्ट uh, वो एडिटर को देना है व्हाट आई लव अबाउट दिस टीम सब क्रेडिट देने में एक्सपर्ट है आप लोग फटाफट जिसका बट टॉकिंग अबाउट यू गेट अ ट्रू स्टोरी टू द स्क्रीन्स टू मैनेज द फिक्शन एंड रियलिज्म कीप परफेक्ट बैलेंस समथिंग दैट कैन बी समटाइम्स चैलेंजिंग आपने वो कैसे किया सच um, ये वो इस तरह का इंसिडेंट था जहाँ किसी को भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था क्यों हुआ था कैसे हुआ था करेक्ट नानाफस एवेन्यू लाइक ये 50 इयर्स से कुछ अम um, मीडिया में उतना था नहीं कभी hmm. तब हां विद्युत सपोर्ट करता यार आंसर को आई नो व्हाट यू सेइंग इट्स नॉट इजो फिल्म मैंने इसका जिक्र इतना हुआ नहीं है क्योंकि खुफिया विभाग के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो

with you talking about uh, action hero films firstly congratulations um, very fewer times do we come across actors who say that who are doing of course this is a venture and i'm sure it's a business venture but uh, i liked it when you said at the trailer launch that you know you want to come and present talent mm. there are very talented people who are very talented but then they are not seen sure. enough right uh, how did this idea sort of crop in it's been 11 years for you i'm sure it must be in the works for a long time you know we, i've been watching things on tv on movies and there are some actors that you look you watch and you say wow kya kamal kia, but you never see them on screen yeah. there's so many of them I know. so many of them and they could be technicians like mm -hmm. editors cameramen writers um, so I, I i went back into my mind of all the talented people i've watched wow

Was very happy, sort of. I think everyone's very happy to see you in grey characters. <laughs> uh, I saw you in Salam Venki, and uh, I it got me so emotional. And when I see you in negative characters, it gets me so angry, which is a compliment because Correct. then you make us feel those things, Correct. right? Correct. But is, has this been like a conscious choice because people love to watch you in grey shades mm -hmm. to continue that sort of a line? So I tried to choose wisely. मैं सोचता हूँ कि मुझे मल्टीपल और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करने मिले बट मैं इस इस चीज़ को बहुत जिद पकड़ के नहीं लेता बिकॉज आई ऑलवेज से कि मेरी पर्सनल लाइफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और uh, अगर कभी लोग मुझे आ, लोग मुझे नेगेटिव या ग्रे शेड में देखना पसंद करते हैं तो मैं लोगों को वो भी डाइट देना पसंद करता हूँ एट द सेम टाइम एज एन एक्टर मैं भी बोर ना हो जाऊँ तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले और जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे मैं कुछ अपने कंफर्ट से बाहर निकलूँगा और ये चीज़ मैं शायद कर सकता हूँ जो लोगों ने मेरे अंदर देखी नहीं है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरी फर्स्ट फिल्म मर्दानी जितना हार्डकोर विलन का रोल होने के बावजूद भी जो मेकर से उन्होंने मुझे सलाम वैंकी के रोल में देखा ह्यूमन में मंगू के रोल में देखा और अब ये वाला चॉइस मेरा डेफिनेटली इसलिए था क्योंकि कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल है एट द सेम टाइम कि मैं लोगों को वो भी देना चाहता हूँ जिसमें लोग मुझे ऑलरेडी देखना पसंद करते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ सो दिस इज माई थिंग राइट नाउ और आगे भी मैंने जो मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट है एंड आई एम सो ग्लैड क्योंकि बहुत रेयर एक्टर्स हैं जिनको इस तरीके से सिर्फ एक नज़र से देखना पसंद नहीं करते इवन दो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव या जिस तरीके से भी आप नाम ले लो हर एक किरदार में बहुत अच्छा निभाते हैं अच्छा काम करते हैं बट ऑडियंस उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती कभी कभार ये भी होता है क्योंकि हमने उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि हम उनको दूसरे जॉनर में देख ही नहीं सकते ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स वालों का भी होता है ये सेम चीज जो सिर्फ जिन्हें हमने हीरो में देखा है उन्हें हम कभी नेगेटिव में पता नहीं देख नहीं पाते ये उस तरीके से भी देखा जा सकता है बट टाइप कास्टिंग इज आई पर्सनली फील के कॉम्प्लीमेंट भी होता है क्योंकि आप अपना काम बहुत बखूबी निभाते हैं कि लोगों को आपका काम पसंद बट आई एम राइट नाउ एक्सपेरिमेंटिंग और जब तक मेरे पास चॉइसेस

i contrary to what people say i feel that if you are good at doing something please why do not? more of it why no not? Why, why, not? why not if you are enjoying to do something please do more of the, uh, it and people are loving you in it hmm. so you know uh, just taking the question from there with you there there was always has been this thing action and your name has always been you know together i feel it's a wonderful thing we love you watching doing that and it's not the same kind of action like what you did in office. Is not at all similar to what you have done before or what you are doing in IB71. How do you see this word typecast as? I love it. Yeah, yes. I love it too. <laughs> if you're known for something and you're excellent at it yeah. and people recognize it, it's amazing. you know Michael Jackson is <laughs> you're star number one pop star, you do martial arts. Correct. something different. you Michael Jackson can do anything. So, if you're known for something, why do you have to doubt it? Like, I know. You should love it. Definitely. Uh, Sankalp, when you make a film which is called a spy thriller, it's hmm. also based on a true story. Uh, it's sometimes difficult to keep the audiences at the edge of their seats. I have watched films that I have maybe not enjoyed that much in theaters and I have felt that they are not going to be that But uh, I have a good feeling about this one, especially after watching the trailer. was at any point there a challenge to make it thrilling you know to give us the thrill and the chills in the cinema halls very nice the so, challenges to aate rahenge ab usko solve karte jate hain hum hmm. but wo jo aap experience bol rahe hain na wo hai listen good yeah. you know i want to know this because she's asked a good question never thought about it uh -huh. ki as a director ye

अब वर्बली एक्सप्लेन करना पता नहीं कैसा होता है कोई बात नहीं yeah. हम बारह मे को देख yeah. लेंगे या लास्टली हाउ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ यू हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ अ फिल्म समटाइम्स पीपल से इट्स द बॉक्स ऑफिस समटाइम्स दे से द क्रिटिकल अक्लेम एंड समटाइम्स इट्स द ऑडियंस रिएक्शन इफ you get all three, amazing. But individually, how do you see it as with you? The success. Hanji. So now I'm a producer. Mm -hmm. um, everybody who is the partner with the mm -hmm. results. i think that's what more, that is really what is important. when i'm an actor, i'm just hoping that the director director gets great recognition. the producer makes his money. Mm -hmm. but now i'm a producer. i have partners who i'm answerable to. i want everybody to be very happy. that's it. okay. thank um, answer. we shall answer things. एक तो पर्सनल लेवल पे मैं सक्सेस तब मानता हूँ जब सिर्फ मेरा काम अच्छा हुआ है और मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया है मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली exactly. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सक्सेस है उसके ऊपर सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब लोगों को भी उतना ही फील हुआ और उतना ही कनेक्ट हुआ क्योंकि अब तक ऐसी कोई फिल्म मैंने अभी तक नहीं की है जो सिर्फ मेरे नाम पे चल हुई है इसलिए मुझे उस चीज का प्रेशर कभी मिला नहीं है एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा टाइम आएगा आ भी सकता है प्रेशर नहीं भी आ सकता है क्योंकि वो उस पोजीशन पे जाने के बाद ही पता चलेगा बट इसका आंसर कोई नहीं दे सकता ये हाईली चीज है इसका फॉर्मूला किसी को भी नहीं पता है कि क्या सक्सेस है क्या नहीं है मेरे लिए हमने फिल्म भी अच्छी बना ली ना तो आई थिंक ये सक्सेस है फिल्म के लिए और मेरे लिए अगर मैंने अपना काम भी अच्छा कर लिया ना मैंने अपना पार्ट दे, दे दिया तो भी मेरे लिए पर्सनल लेवल पे ये सक्सेस है इसलिए मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता और अब तक नहीं हुआ है ऑनेस्टली शायद जब मैं ऐसी कोई पोजिशन पे रहूंगा जहां पे सिर्फ मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हूँ फिल्म के लिए द फेस ऑफ द फिल्म जिसे हम कहते हैं वो फेस ऑफ द फिल्म रहूँगा और मेरे ऊपर टिकट्स बेचनी होगी और मेरे वजह से जब लोग आएंगे तब शायद मैं इसका आंसर और बेटर तरीके से दे पाऊंगा बट फिलहाल तो मैं इसी को सक्सेस मानता हूं आपके तो साथ बैठना है इंटरव्यू देना है आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून फॉर यू हां ये सोच ही रहा था कि आप पे होने वाला है तो मेरे साथ then तो मेरे पास आ जाना टिप्स लेने के लिए मैं वादा कर रहा हूं